हाय गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया का यूज हम लोग अपनी लाइफ में डेली बेसिस में करते हैं, जैसे वो हमारी एक जिंदगी का हिस्सा बन गया हो, हमारा एक पार्ट हो। एक सर्वे के हिसाब से एक दिन में हम लोग सोशल मीडिया, जो फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को एक बार साइड में रख देते हैं क्योंकि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं और लोगों से बात कर पाते हैं। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसी जगह की बात करेंगे। अगर डेली रूटीन देखें एक पर्टिकुलर पर्सन का, तो 6 आवर से 7 आवर होता है। तो कहीं पे ये जो 6 आवर और 7 आवर स्क्रीन टाइम है सोशल मीडिया का, ये उन लोगों को कैलकुलेट करके भी है जो 1 आवर 2 आवर सोशल मीडिया को देते हैं, और उन लोगों को कैलकुलेट करके भी है जो सारा दिन सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि सामने वाला खाने के लिए बुला रहा है और उनको पता ही नहीं चल रहा कि खाना खाने भी जाना है। ये एक एडिक्शन है। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूजर सोशल मीडिया के हैं, इसीलिए इंडियन यूथ हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है। इंडियन यूथ वो कंटेंट कंज्यूम करना नहीं चाहता जो उनको एक एक्सपीरियंस, एक उनको नॉलेज दे रहे हैं। इंडियन यूथ कंटेंट कंज्यूम करता है कुछ डांस वीडियो देख के, या फिर कुछ कंट्रोवर्सी होने लग रही है, या फिर कोई पॉलिटिक्स मैटर चल रहा है, ऐसे मुद्दों पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं बोलूँगा ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उसी में मज़ा आता है। तो अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया एक क्या राइट जगह है, एक राइट प्लेस है जहाँ पे हर एक बच्चा या फिर हर एक यूथ अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, नहीं। क्योंकि अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, अगर मैं मीडिया की भी बात करूँ, तो मीडिया कैसे कंटेंट दिखा रहा है उसका रिजल्ट कुछ दिन पीछे हम लोगों ने देखा है। क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं, लोगों के पास में इतनी सारी जानकारियाँ कहाँ से आती हैं, लोग धर्म को कैसे बुरा बोलते हैं, मुस्लिम को कैसे बुरा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वायरल कहाँ से होती हैं, ये सारा इंटरनेट से ही होता है और सोशल मीडिया से ज़्यादा होता है। जितना सोशल मीडिया ग्रो किया है, कंज्यूमर बढ़े हैं, उतने ही ज़्यादा क्राइम रेट बढ़े हैं। सोशल मीडिया यूथ के लिए यूज़ करना अच्छा भी है और बुरा भी। कुछ यूथ आजकल सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट पोस्ट करने लगते हैं, इससे बहुत सारे लोगों ने उसको रिपोर्ट भी किया, लेकिन ये जो सोशल मीडिया कंपनी है ये उन पर बैन या फिर उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि अगर वो ये रोक देंगी तो फिर वो पैसे कैसे कमाएंगी। एक सर्वे के हिसाब से 12 साल के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करना चालू कर देते हैं, भले ही वो अपने फादर का अकाउंट स्क्रॉल करने लग रहे हों, या फिर वो अपना खुद का अकाउंट स्क्रॉल कर रहे हों, या फिर उनकी मदर का अकाउंट स्क्रॉल कर रहे हों। हर एक बच्चा आज की डेट में सेटिस्फैक्शन उसको जब भी होता है जब उसके हाथ में फ़ोन होता है। हम अभी कुछ मॉडर्न फैमिली बच्चा पैदा होते ही उनकी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल क्रिएट करना चालू कर देती हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है। ये अच्छी बात है कि उनकी मेमोरीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो उनके जगह पे, और जब वो बड़ा बच्चा जो है वो बड़ा होता है, फिर वो देखता है कि हमारे यहाँ इतने साल से लेके अभी तक के मेरे इमेजेस यहाँ पे कलेक्टेड है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब एक बच्चा, आप 12 साल के एज के लड़के को एक फ़ोन दे रहे हो, वहाँ पे हर तरह का कंटेंट आ रहा है और वो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो अगर आगे फ्यूचर में जाके वो कुछ गलत स्टेप लेता है, कोई गलत डायरेक्शन में जाता है, तो इसमें गलती क्या है? क्योंकि हम ही हैं जो उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि हम यूज़ करने लग रहे हैं। हम में से कितने लोग फ़ोन को 1 घंटा 2 घंटे हाथ ना लगाएं तो वो रह सकते हैं? एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से एक पर्सन 1 वीक तक बिना फ़ोन के नहीं रह सकता, 2 या 3 दिन में ही उसको उसका फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, या फिर वो अपना सोशल मीडिया दूसरे के फ़ोन से लॉगिन करेगा। आप देख सकते हो ये किस लेवल की एडिक्शन है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम की बातें हो रही थी, तो ऐसे में यूट्यूब कैसे पीछे रह सकता था? यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट आता था, शुरू में बच्चे भी उसको यूज़ करते थे, लोगों को ये लगा कि बच्चे उसको कंज्यूम करने लग रहे हैं तो वहाँ पे कैसा कंटेंट डालना चाहिए, तो YouTube को ये लगा कि वो इस वाले बच्चों के सेगमेंट में वो पीछे हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने YouTube फॉर किड्स निकाल दिया। अगर आपके पास में प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं उनके पास में उसका सलूशन है। ये
एक सोशल मीडिया इतने बड़े लेवल तक जा चुका है कि हमें आइडिया भी नहीं है कि हम सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं, सोशल मीडिया हमें चला रहा है। कैसे हम एक नोटिफिकेशन आने पे फोन को स्क्रॉल करने लगते हैं, हर एक बटन का मतलब, हर एक सिंगल बटन का मतलब आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालना है, आपको कंट्रोल करना है, चाहे वो लाइक की बटन हो या फिर कमेंट की बटन हो या फिर टैग की बटन हो। इंडियन यूथ हो या फिर बाहर का यूथ हो, इंडिया के बाहर का यूथ हो, जितने भी यूथ है यानी 1996 के बाद जितने भी यूथ है या फिर इवन मैं भी, तो हम लोग मुसीबत आने पे या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी लाइफ में तो सब वो प्रॉब्लम से हटने के लिए, दूर भागने के लिए हम तुरंत अपना फोन हाथ में ले लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। वो इम्पॉर्टेंट टाइम को हम बेच रहे हैं सामने वाले को और सामने वाला उसको खरीद रहा है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे उनके प्लेटफॉर्म से, सपोज एक कंपनी एक्स वाई जेड वो अपना एड दिखाने लग रही है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे और हम अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, हम भले ही वो प्रोडक्ट ना खरीदें, हमने उनको पैसे पे नहीं किए, लेकिन हम बिक गए हैं उस प्रोडक्ट के लिए, जिन्होंने अपनी एड यहां पे चलाई है और हमने एक बार देखा है उसका पैसा फेसबुक को मिला है। तो ये एक अलग तरीके की स्ट्रेटजीज हैं, हर एक बटन को बनाने के पीछे एक लॉजिक है। जैसे मान के चलते हैं एक टैग बटन को हम यूज करते हैं, टैग बटन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, रीजन क्या था? हम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक डेड बॉडी है जिनको वो मैसेज या पिंग करके जिंदा करते हैं। आप एक बार को मान लो आप दो दिन तीन दिन फोन को ना यूज करो, आप फेसबुक जो आपका फेसबुक है ना, आप चार दिन पांच दिन तक उसको ना यूज करो, लॉगिन फोन में रहने दो, देखो कैसे कैसे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं आपको जगाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया सामने वाला आदमी अभी नहीं है, उनका एल्गोरिथम ही ऐसा है कि आप उनसे कनेक्टेड रहो। आप थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं टैग बटन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, टैग बटन को इसलिए बनाया गया कि आप फेसबुक पे आओ। अच्छा सपोज क्या होता अगर कोई फ्रेंड मुझे मेरी फोटो में टैग करने लग रहा है जो मैंने उसके साथ में खिंचाई है और वो फोटो मुझे नोटिफिकेशन बार में ही दिख जाती कि कौन सी फोटो मैं देख रहा था, तो सारी प्रॉब्लम वहीं पे ही सॉल्व हुआ थी, आदमी ऐप के अंदर जाता ही नहीं। अगर आप ऐप के अंदर चले गए तो इसका मतलब आप 15 से 20 मिनट वहां पे स्पेंड करोगे ही करोगे, वो फोटो के देखने के बाद में आप एक कमेंट करोगे, नाइस करोगे, अच्छा है लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, फिर वहां पे कन्वर्सेशन चालू होगी। 5 मिनट अगर आप वहां पे दे दिए उसके बाद में आप एग्जिट आओगे वो फोटो से बाहर और आप सोशल मीडिया वापस स्क्रॉल करोगे किसने नया पोस्ट डाला है, उतने बीच में कोई एक्स वाई जेड कंपनी का एड आके आपको दिखा दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस बहुत ही इजी है। अब समझो ये कैसे हम पर्दे के इस पार हैं और पर्दे के उस पार सैकड़ों इंजीनियर हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें कब क्या करना है, हमारे खाने से लेके हमारे सारी प्लानिंग उनके पास में, हमारे कैलेंडर प्लान्स, अगर हमें कोई डेट पे जाना है या फिर हमें हमारी कोई फ्लाइट है, वो सारी चीजें उनको पता है। एक देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा कि हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। आप सारे वेपन्स एक साइड में रख दो, सोशल मीडिया एक तरफ रख दो, कहीं एक नेक्स्ट लेवल की फाइट वार करा सकता है, कहीं कुछ करा सकता है जो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, और हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। मैं ये नहीं बोलता आप सोशल मीडिया यूज ना करो, मैं ये बोलता हूँ एक लिमिट में यूज करो। ये सारी चीजों को यूज करके अगर हम अपने टिपिकल टाइम में अगर हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हम अपने आप को और भी ज्यादा कमजोर करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि इंडियन यूथ या फिर बाहर के लोग जब प्रॉब्लम आती है तो हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना चालू करते हैं, यानी हम अपनी अंदर की जो पावर है, सुपर पावर है, जो वुमेन पावर है, जो मतलब हमारे अंदर की पावर है, वो हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज हम सामना ही नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों की जो हमारे लाइफ में होने लग रही है, क्योंकि उसकी उस जगह पे जब हम अकेलापन महसूस करते हैं हम अपने पार्टनर यानी हमारा सोशल मीडिया को यूज करना चालू करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम में हमें खुद को टाइम देना चाहिए, हमें खुद से नॉलेज लेनी चाहिए कि हम कितने स्ट्रांग हैं और कितने स्ट्रांग और हो सकते हैं। इससे हमारी मेमोरी भी कमजोर हो रही है, क्योंकि हमें सोचते जब हम सोचते हैं जब भी ना मेमोरी स्ट्रांग होगी,
तभी हम कुछ पीछे जा पाएंगे। और जब हम पीछे जाने वाले होते हैं उस टाइम पे हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। कैसे पूरा यूथ ये कंटेंट कंज्यूम करने लग रहा है आज, और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म, बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर प्लेटफॉर्म बन गया है। चीजें छोटी नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के हिसाब से हम जैसे रेडियो टीवी यूज करते थे, उनकी हमें आदत थी, हम उनको सुनते थे, वैसे ही ये एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमें इसकी आदत हो जाएगी, ये भी हमारे डेली रूटीन में आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये जब हमारे डेली रूटीन में जैसे हम यूज कर रहे हैं टीवी रेडियो को, वैसे आएगा जब हम इस चीज को एक लिमिट में यूज करेंगे और इसका एक्सपेंड एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाएगा। डेटा कंज्यूम करना, हमारे बारे में सारा डेटा उनके पास में है, इस चीज को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? गवर्नमेंट को जो कंपनी ज्यादा डेटा ओन करने लग रही है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, उबर, ओला, शादी.com, कोई भी XYZ कंपनी, गूगल, जो कंपनी ज्यादा डेटा स्टोर कर रही है एक इंडियन पर्सन का, उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना चाहिए, क्योंकि वो डेटा यार इंडियन है, इंडियन डेटा, इंडियन से अर्न कर रहे हो आप चीजें, इंडियन को एड्स दिखा रहे हो, उसके थ्रू तो आप अर्निंग कर रहे हो ना। जिसके पास में ज्यादा डेटा उसको टैक्स ज्यादा देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये हम हमारी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, इससे एक तो टैक्स बढ़ेगा और दूसरा जो कंपनियां हैं जो डेटा ऐसे ले रही है हमारा, वो एक लेवल, एक लिमिटेड डेटा हमसे कलेक्ट करेंगी। इसका इम्पैक्ट इंडिया में ही नहीं, US में भी देखने को मिलता है। US में 2010-2011 में टीनेजर का एक रेशियो था, जो सोशल मीडिया यूज करने लग रहे थे उनकी एक उनका रेशियो स्टेबल था कि वो इतने लोग ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 2011 के बाद में जो नंबर्स स्टेबल थे, वो नंबर 62% से बढ़ने लगे टीनेजर। और टीनेजर में अब ये जो 12 से 15 साल की जो बीच की छोटी लड़कियां थी, उनका परसेंटेज 3 गुना, यानी 189% बढ़ गया। आप समझ सकते हो कि टीनेजर सोशल मीडिया के एडिक्शन में कैसे फंस रहे हैं। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक, खौफनाक ये है कि 15 साल से 19 साल की लड़कियां, यानी 70% टीनेजर सुसाइड कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं बोलूंगा 12 से 15 साल के बीच की लड़कियां, यानी 10 से 15 साल के बीच की लड़कियां, उनका रेशियो 171% है। अब ये लोग खुद को यार अकेला फील करते हैं। सपोज एक लाइक बटन को ऐड कर देने का मतलब क्या है? एक लाइक बटन को ऐड करने का मतलब है कि आपके फ्रेंड ने आपको लाइक किया। और अब ये सोशल मीडिया में हम सभी जानते हैं कंपटीशन बन गया है, तुम्हारे वीडियो पे इतने लाइक हैं, तुम्हारे इमेज पे इतने लाइक हैं। अगर एक लड़की के वीडियो या फिर फोटो पे अच्छे लाइक्स नहीं आते हैं तो इतना ज़्यादा वो टूट जाते हैं, मायूस हो आते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो आते हैं। इस ये जो डेथ रेशियो है, इसका ये रेशियो का जिम्मेदार US ने सोशल मीडिया को बताया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया में भी ऐसी चीजें होने लग रही हैं, जो अभी सामने नहीं है वो कुछ टाइम के बाद में सामने आ जाएंगी। एक कंट्री की बात करें, मैं उस कंट्री का नाम तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि रिलीजन का थोड़ा सा मैटर आता है। उस कंट्री में जब आदमी फोन खरीदने के लिए जाता है तो वहां पे सबसे पहले फोन जो सेल करने लग रहा था आदमी, वो पहले फेसबुक इंस्टॉल करने करके उनको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके देता है। अब वहां पे एक रिपोर्ट के हिसाब से 11 लाख से 15 लाख के बीच में रोहिंग्या मुस्लिम जो थे वो निकले थे, बाहर आए थे। वहां पे इतनी बड़ी वॉर हो गई थी, लोग उनको रहने देना नहीं चाहते थे। तो आप समझ सकते हो यहाँ से कि एक सोशल मीडिया कितने बड़े लेवल पे डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, एक कितना बड़ा वेपन है एक कंट्री के लिए। आज की डेट में पॉलिटिक्स भी सोशल मीडिया पे डिपेंड करती है। आईटी सेल्स, बीजेपी या फिर कोई कांग्रेस का आईटी सेल हो, किसी का भी आईटी सेल हो, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे भी हमें पता चल जाता है कौन पार्टी जीतने वाली है। सोशल मीडिया कहने को ये बुरा नहीं होगा कि हम उसे नहीं चला रहे हैं, वो हमें चला रहा है। आप समझ सकते हो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अभी हम बात करने आ रहे हैं VR की,
VR भी एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें सुनने लग रहा है। अभी अगर बात करें Amazon Alexa की, तो हम घर में क्या बातें कर रहे हैं वो सब कुछ उसको पता है। हमारे घर में क्या खत्म हो गया उसको पता है। अगर तुम्हारे घर में एक, मान लो अगर तुम बोलते हो मेरे को आईफोन लेना है, 4 दिन बाद में आपको आईफोन का ऐड दिखेगा, इतने ज्यादा वो तुम्हारी जिंदगी में घुस चुके हैं। तुमको लगता है कि तुम सिर्फ फोन चला रहे हो, तुम्हारे फोन के पीछे नहीं है, ये इतने बड़े सुपर कंप्यूटर के पीछे 1000 इंजीनियर बैठे हैं जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को कंट्रोल होने से बचाओ और एक लिमिटेड टाइम में आप उसको यूज करो। भले ही आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो कि इस टाइम के बीच में मुझे सोशल मीडिया चलानी है, इस बीच में मुझे ये करना है, इट इज गुड, जो कि बुरा नहीं है, आप कर सकते हो। अब दिन में कोई भी आपका फ्रेंड, उसने अपना टाइम शेड्यूल सेट कर रखा है क्योंकि वो फ्री है, उसने तुमको टैग किया। अब यहां पे ही फेसबुक की कहानी खत्म नहीं होती, इन्होंने ग्रुप भी इन्वेंट किए। अगर किसी ग्रुप में, किसी पेज में अगर कोई आदमी ये अगर फेसबुक पे जाओगे ना, तो हर आदमी की सोच अलग अलग है। अगर किसी को, अगर 10 आदमी है, 10 आदमियों में से एक आदमी भी बोलता है कि धरती सपाट है, तो फेसबुक के ग्रुप्स में लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो पृथ्वी है उसको सपाट बोलेंगे। हैं उन्हें ही तो हम अंधभक्त बोलते हैं जो पृथ्वी सपाट बोल के मानने लगते हैं। अब क्या है यही है सोशल मीडिया। तो आप ऐसी चीजों से बचो और एक लिमिटेड टाइम में सोशल मीडिया को यूज करो, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे और वैसा वो भी करने लग जाएंगे। और मैं ये होप करता हूँ कि आप अपने बच्चे को एक एज ग्रुप के बाद में फोन को यूज करने के लिए दो, और उनको ऐसे सोशल मीडिया को यूज करने के लिए एक फिक्स टाइमिंग दो कि आप इस बीच में सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। नहीं तो आपके बच्चे भी ये सारे चीजों के शिकार होंगे जो US में आज की डेट में होने लग रहा है। और एक चीज और भी है, क्यों आखिर हम TikTok जो बैन हो गया या फिर Instagram रील की बात करते हैं, तो वहां पे हम जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें रील्स में डांस देखने को मिलता है। वो ऐप का एल्गोरिदम, आप 2-4 चीजों को देख के, आपकी एक्टिविटी को देख के, आपके मैसेजेस को देख के आपको वीडियो सजेस्ट करता है, ताकि आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हो और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वहां पे स्पेंड कर देते हो, बिना ये सोचे कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट में बताएं आप सोशल मीडिया कितना टाइम स्क्रॉल करते हैं, आपका स्क्रीन टाइम क्या है, और अगर आपको ये चीज़ छोड़नी है तो आप क्या करोगे।